हेलो स्टूडेंट। तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, अब बारी है टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि टेस्ट करने की कितना आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझ में आया। तो आपके सामने पांच क्वेश्चंस हैं, उन पांचों क्वेश्चन को आप सबको सॉल्व करना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपके हैं 20 मार्क्स। ओके, आपके पास जो टाइम है दैट इज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। अगर आपने इन क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो वीडियो को कंटिन्यू करें। और हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू मासेस, वन इज 5 kg एंड सेकेंड इज 20 kg एंड दे आर सेपरेटेड विथ अ डिस्टेंस 50 cm। तो यहाँ पे आपके पास 2 मास हैं और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जो फर्स्ट मास है उसका मास कितना है 5 kg, और जो दूसरा मास है उसका मास कितना है 20 kg। तो जो ये पहला वाला मास है 5 kg, इसका नाम हम दे देते हैं M1, इसको M1 बोल देते हैं। और जो ये 20 kg का है इसको हम बोल देते हैं M2, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 50 cm। तो ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, M1 दैट इज, M1 की वैल्यू कितनी है बेटा? तो M1 की वैल्यू है आपकी 5 kg, सो यहाँ पे आपको लिखना है 5 kg। M2 आपका कितना है? सो M2 इज 20 kg। ये हो गया आपको M2 कितना 20 kg, और इनके बीच की डिस्टेंस है जो R है, R इज द 50 cm। बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो SI यूनिट में सॉल्व करते हैं, और ये सेंटीमीटर इज नॉट SI यूनिट, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले SI यूनिट में। सो 50 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50/100, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में, एंड मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दैट इज एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज जी M1 M2/R². सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जी की वैल्यू आप सभी को मालूम है, दैट इज 6.67 × 10^-11। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, एंड M1 इज हेयर 5 kg एंड M2 इज 20 kg, एंड द डिस्टेंस इज 50/100 का स्क्वायर। सो 50/100 का स्क्वायर मतलब 50/100, और ये 100 पहुंच गया ऊपर, अगेन 50/100, तो ये 50 और अगेन ये 100 ऊपर पहुंच गया। सो दिस इज, ऐसे आपको वैल्यूज को पहले पुट कर लेनी है, जी की जगह पे जी की वैल्यू, M1 की जगह पे M1 की वैल्यू, M2 की जगह पे 20, और R की जगह पे 50/100 × 50/100। तो ये जो 100 नीचे है वो कहाँ पहुंच गया? ऊपर। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 50 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये 2 टाइम्स, इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स। तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 5 2 10, और 10 2 20, और 10 20 40, और ये 0 है तो 400, यानी कि 6.67 × 10^-11 × 400। अब 400 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 100। 400 को क्या लिख सकते हो? 4 × 100। तो यहां से 6.67 × 4 × 10^-11 × 100। 100 क्या है? 10^2 है। 400 को मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 400 को 4 × 100, एंड दैट इज 4 × 10^2। तो ये हो गया 10^2 यहाँ पे, और ये हो गया 4 यहाँ पे। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 7 28, 4 6 24, और 24 में 2 ऐड किया तो 26, अगेन 4 6 24, और 24 में 2 ऐड किया तो 26। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट रख दिया, इनटू
टेन टू दी पावर। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, टेन और टेन यहाँ पे भी है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो -11 + 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -9, और ये फोर्स है तो इसको न्यूटन। इसको और क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इस पॉइंट को हम वन डिजिट के बाद लिखेंगे, यानी कि 2.668। अब जैसे ही 2.668 लिखा तो यहाँ से 10 बाहर आ गया, और ये 10 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 10 to the power -8 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। देखो आपने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा और इस फोर्स के फॉर्मूला लिखा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको 1 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद ये जब वैल्यू पुट कर दी पूरी की पूरी, तो यहाँ से भी 1 मार्क्स मिल गया, तो 2 मार्क्स हो गया। ये वाला स्टेप किया तो आपको 1 मार्क्स अगेन मिल गया। और अगर आपके आंसर में कुछ मिस्टेक्स है, अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, तो वहां से 1 मार्क्स कटेगा। अदरवाइज अगर ये आंसर आपका आ रहा है, अगर ये आंसर आ रहा है तब भी आपको 4 मार्क्स, और अगर ये आंसर आ रहा है तब भी आपको 4 मार्क्स। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये सॉल्व नहीं करना है, इसके आंसर लिखने हैं। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। डिफाइन मास एंड वेट एंड राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि मास क्या होता है। तो मास बेसिकली मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, सो किसी भी मैटर में कितना अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं हम, मास। सो मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ओके, एंड द मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि ये मास के बारे में पूरा डिटेल है। अगर आप ये फर्स्ट लाइन लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ से मास को डिफाइन करते हैं तो 1 मार्क्स, वेट को डिफाइन करते हैं तो 1 मार्क्स, और डिफरेंस अगर दो करेक्ट लिखते हैं तो यहाँ से 2 मार्क्स, यानी टोटल आपके हो गए 4 मार्क्स। तो मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। डेफिनेशन आपकी दूसरी भी हो सकती है बट करेक्ट होनी चाहिए, ओके। एंड मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। अगर वेट की बात की जाए तो वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट। अगर इतनी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद W इज इक्वल टू एम जी एंड वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, इस वजह से जो वेट है वो भी प्लेस टू प्लेस क्या होगा, चेंज होगा, ओके। सो हर एक प्लेनेट में वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और आपको मालूम है कि वेट इन अ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, यानी कि मून में जो वेट है अर्थ की वेट का कितना होगा, 1/6 होगा। इसके बाद डिफरेंस यहां से आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंस है, इसमें से कोई भी दो डिफरेंस आपको लिखने थे, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है डिटेल में, तो आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज एंड टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पे जी को कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कोई एक बॉल है, अगर आपके पास बॉल है तो बॉल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉल है जो कि है, ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकी गई है, और ऊपर फेंकी गई है तो किस वेलोसिटी से फेंकी गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये क्या करेगा, इसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और ये पार्टिकल, ये बॉल है, इतनी इसी पॉइंट तक पहुंच पाएगा, तो इस पॉइंट से ग्राउंड की जो हाइट है यही क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस बॉल का, तो यहाँ पे पहले थी, अभी कहाँ पे है,
इस पॉइंट पे है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एस, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू एच, और ये आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे पहुंचने पे, एच हाइट पहुंचने पे कितना टाइम लेता है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, और जो फाइनली ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, ओके। और बाकी डिटेल क्या है, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज नेगेटिव एंड दिस विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं जिससे टाइम हमें मिल जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो वी आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 40 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है, -10, तो यहाँ पे -10 इंटू टी, तो इसको पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10t, 10t इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी दैट इज 40/10 एंड दैट इज 4 सेकेंड। सो 4 सेकेंड टाइम, 4 सेकेंड के बाद ये कहाँ पे होगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे होगा। अब हम मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at² ओके, तो यहाँ से जो आपका इनिशियल वेलोसिटी यू है दैट इज 40 और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा है दैट इज 4 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी है, -10 और उसके बाद टाइम का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ गया आपका 8 और 44 जा 160, और 160 में अगर आपने -10 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 80, सो 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, सो द हाइट गेन बाय दिस बॉल इज 80 मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा है तो आपको एक नंबर मिल जाता है, इसके कैलकुलेशन पे मिलेंगे आपको एक नंबर, तो ये 2 नंबर हो गया। फिर अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा तो आपको एक नंबर और मिलेगा, तो ये 3 नंबर हो गया, और ये वाला आंसर आया तो एक नंबर और मिलेगा, तो 4 नंबर। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। तो हाइट के साथ ग्रेविटी में कैसे चेंज आते हैं, इस चीज के लिए एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है, उसको हमें डिराइव करना है। तो ये हमारी अर्थ है जिसका मास क्या है एम, अर्थ के सेंटर से ये क्या है इसकी रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब जस्ट सपोज कि अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको मालूम है कि जी एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, अर्थ सरफेस, जी एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो अर्थ सरफेस पे हो गई। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, तो जी एट हाइट एच दैट इज जी एम बाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। अब नाउ 2 / 1, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी एट एच डिवाइड बाई जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर,
डिवाइड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से जी एट हाइट एच ये कितना आ जाएगा, इस जी को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेना है तो ये आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से वन और यहां से एच बाई आर का होल स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गए कैंसिल, तो यहां से जी और ये पूरा का पूरा वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो ये पावर जो टू है वो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया वन प्लस एच बाई आर टू दी पावर माइनस टू। तो जी एट हाइट कितना आ गया, जी इंटू वन प्लस एच बाई आर टू दी पावर माइनस टू। अब इन केस की जो ये एच है वो आर के कंपेयर में बहुत कम है, यानी कि आर इज मोर ग्रेटर देन एच एच। उस कंडीशन पे क्या होता है, ये पावर टू टू जो होती है यहाँ पे आ जाती है, यानी कि जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सो जी एट हाइट एच दिस इज जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। सो ये दोनों रिजल्ट हैं जो आपके आंसर्स हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अब इसमें एक्चुअली पे मार्किंग कैसे करनी है, अगर आपने ये पहला स्टेप लिखा तो 1 मार्क्स, दूसरा स्टेप ये लिखा तो 2 मार्क्स, ये 2 लाइन लिखने पे 2 मार्क्स, अगली EY लाइन लिखने पे आपको अगला मार्क्स मिलेगा, और अगला रिजल्ट अगर आएगा तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस क्वेश्चन में करना है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिंसियरली आप जब किसी भी टेस्ट को आप देते हो पूरी प्रिपरेशन के साथ, तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो कोई भी टेस्ट आप दो तो बहुत सिंसियरिटी से दो और रिवीजन करके दो। जब आप रिवीजन करके दोगे तभी तो पता चलेगा कि आपसे कितनी चीजें आती हैं, अदरवाइज रैंडम ही आप टेस्ट दे दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता, फिर तो पूरा ही नहीं आता। तो प्रॉपर तैयारी करें और उसके बाद टेस्ट दें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, इस चीज की हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का आपको मिलेगा यहाँ पे 2 मार्क्स। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, एक M1 मास है और एक M2 मास है, उसको r डिस्टेंस पे रखा गया इन दोनों मास को। तो जो M2 है वो क्या करेगा, M1 की तरफ जाएगा और M1 M2 की तरफ जाएगा, यानी कि जो F1 फोर्स है दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये F1 फोर्स से कौन खींच रहा है, M2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और ये F2 फोर्स से M1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस तरीके से फोर्स का कम्बिनेशन होता है। ये क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, ये रिजल्ट है। अगर आप ये रिजल्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। उसके बाद आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहां से आपको मिलेगा 1 मार्क्स। तो यानी कि स्टेटमेंट का 2 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स, और सॉरी इसका 1 मार्क्स और इसका 1 मार्क्स। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे जो कि टेस्ट में थे, क्योंकि टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में आपको कितनी तैयारी है आप इस चैप्टर की और कितना आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, इस टेस्ट से डिसाइड हो जाता है। सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।